हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। बात करते हैं नेट के बारे में। नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट? तो करता क्या है बेसिकली ये? इसमें आपको एग्जांपल दिया था, आपके पास एक कंपनी है या आपकी कोई कंपनी है और उसमें बहुत सारे यूजर हैं। सबको यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्राइवेट रेंज लिया और यहाँ पे बहुत सारे पीसी हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? एक राउटर है जो कि एक और कंपनी को जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, नॉर्मल एक राउटर है जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है हमारा। अब इसमें से कोई एक यूजर बोलता है कि हमें इंटरनेट एक्सेस करना है, तो उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए आपको, पब्लिक आईपी, राइट? विदाउट पब्लिक आईपी आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना, किसी भी सर्वर को या किसी भी ग्लोबल नेटवर्क को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने राउटर का नेट कन्फिगर करते हैं, जो कि जिसे बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यानी आपके पीसी से अगर कोई रिक्वेस्ट जा रही है, जैसे कि अभी मैं अप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, राइट, आपका क्लास ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी मैं अपना चेक करूँ, अगर आईपी में यहाँ चेक करूँ, ये मेरा आईपी, यहाँ पे देखो आप आईपी कॉन्फिग, राइट? ये हमारी आईपी है 192.168.196.18, ये हमारी आईपी है जो कि हमारे प्राइवेट आईपी है। अब हम जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो जो हमारा राउटर है ना, राउटर का आईपी चेक करा है, जो ग्लोबली आईपी है उसको आपको चेक करने के लिए ब्राउजर चले जाओ आप, और वहां पे आप सर्च करो व्हाट्स माई आईपी, व्हाट्स माई आईपी। मॉर्निंग क्लास में मैं आपको बताया था जो 10 o'clock जो क्लासेस चली है आपकी, तो इसको रन होने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो रिक्वेस्ट हमारी जा रही है ना, वो हमारी पब्लिक आईपी के थ्रू जा रही है, ठीक है? तो इसमें हम लोग नेट को देखते थे, स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट। अभी हम बात करते हैं पैट नेट, जिसे बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जो क्या करता है, आपके पास एक ही आईपी रहेगा। अभी जो आप फिलहाल में जो राउटर यूज करते हो ना, आप उसके अंदर पैट नेट ही देख पाओगे, उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है पैट नेट ही होती है, ठीक है? तो नेट में 3 तरह के होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक और पैट नेट। तो दोनों हमने लाइव में कन्फिगर कर चुके हैं, अब हम लोग पैट को देखने वाले हैं, पैट को कैसे कन्फिगर करते हैं। अब पैट कैसे काम करता है, पोर्ट एड्रेस, तो आपको सिंपली यहाँ पे जितने भी पीसी यहाँ पे कनेक्टेड है, इसके लिए क्या करना है, बस एक आईपी परचेस करना है। आपके राउटर के अंदर बस ओनली एक आईपी होता है, जैसे मैंने एक आईपी परचेस कर लिया 20.20.9, राइट? हमने ये आईपी परचेस कर लिया ग्लोबली, और अपने राउटर के अंदर हम ये दे देंगे। अब यहाँ पे जो राउटर हमारा है ना, अब इसे आप स्विच कनेक्ट करो, स्विच कनेक्ट करके जितना भी पीसी कनेक्ट करोगे, अगर ये पीसी कोई रिक्वेस्ट करती है ना, तो इसी आईपी के थ्रू हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, वो जो रिक्वेस्ट जाएगी हमारी इसी आईपी से जाएगी, चाहे जितने भी यूजर इसमें आप एक्सेस करो या जितने भी इंटरनेट इसमें यूज करने वाले यूजर हैं, सबकी रिक्वेस्ट किसे आएगी, इसी आईपी के थ्रू जाएगी, बट आईपी तो एक ही होगा। अब ये पैट नेट क्या करेगा, उसको पोर्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम लोग, टोटल पोर्ट कितने हैं हमारे पास, 65535, राइट? 65535 टोटल पोर्ट है हमारे पास। अब जितने भी डेटा मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी किसे जा रहा है, हमारा इस पब्लिक आईपी के थ्रू जा रहा है जो हमने राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया है, बट आईपी तो एक है और इसको क्या कर रहा है, पोर्ट में डिवाइड कर दे रहा है। व्हाट्सएप के लिए सपोज यहाँ पे दे दे रहा है colon 200, इंस्टाग्राम सपोज दे दे रहा है यहाँ पे 10180 या कुछ ऐसे समथिंग, या फेसबुक के लिए यहाँ पे दे रहा है 2254 ऐसे करके दे दे रहा है, राइट? अगर ऐसे करके देगा तो क्या करे, पोर्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अभी मैं यहाँ से व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा हूँ, तो अगला जो बंदा है व्हाट्सएप पे तो रिसीव करेगा ना, यानी व्हाट्सएप का भी एक पोर्ट नंबर होता है। जितने भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो ना, सबका एक एक पोर्ट नंबर रिजर्व है, यानी जिस रास्ते पर आप डेटा सेंड करोगे उसी रास्ते पर आप उसे सुन पाओगे, उसी रास्ते से आप उसे मिल पाओगे। यानी व्हाट्सएप का अगर डेटा सेंड करो तो व्हाट्सएप पे ही जाएगा, अदर एप्लीकेशन पे उसे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अभी मैं यहाँ से व्हाट्सएप से मैसेज करूँ अगर आपको, तो आपको व्हाट्सएप पे ही सीन होगा, इंस्टाग्राम के अंदर तो आप नहीं देख पाओगे, ना ही आप फेसबुक के अंदर देख पाओगे। वो कैसे पॉसिबल है, वो पोर्ट के अंदर। अब आप बोलोगे आईपी से डेटा जा रहा है हमारा, आईपी से डेटा नहीं जा रहा है, आईपी तो आपका डेटा आईपी लेके जा रहा है, बट जो डिवाइड कर रहा है कौन कर रहा है, पोर्ट काम कर रहा है वहां पे, राइट? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, आपका स्मार्टफोन है, उसके अंदर आप फेसबुक भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, और लिंक्डइन भी चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ आप चला रहे हैं यहाँ पे, राइट? व्हाट्सअप भी चला रहे हैं। अब आपके फ़ोन में जो आईपी मिला है, एक ही आईपी मिला होगा, जैसे सपोज आपके फ़ोन में आईपी जो मिला है 192.168.1.1, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ये आईपी मिला है, बट इन सभी आईपी में आपका फेसबुक भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, लिंक्डइन चल रहा है और व्हाट्सएप भी चल रहा है। तो आईपी तो एक है,
बट क्या कर रहे हैं इसको, सभी को पोर्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे कोलन लगा के जो भी फेसबुक का पोर्ट रहेगा वो पोर्ट यहाँ पे मेंशन कर देगा सबको। यहाँ पे 2020 अगर इसका पोर्ट है तो 2020 मेंशन कर देगा। इंस्टाग्राम का अगर हमारा 1430 कुछ ऐसा है तो उसको समथिंग मेंशन कर देगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे अलग है तो क्या करेगा, आईपी सेम रहेगा इक्वल, बट क्या करेगा पोर्ट में उसको डिवाइड कर देगा। देख करता कैसे है हमारा सिस्टम, हमारा राउटर या हमारा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन तो आपको आईपी मिल ही रहती है जो कि आईएसपी प्रोवाइड करता है, तो नेट हमारे आईएसपी के पास कॉन्फ़िगर होते हैं। अगर आपके पास राउटर है या आपने ऑफिस के अंदर राउटर लगा रखा है और उसमें कई सारे यूजर हैं, कई सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा नेट पैट नेट कैसे काम करता है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखने वाले हैं। हम बहुत सारी चीजें यूज करेंगे बट हमारी आईपी एक ही होगी और उसको क्या करेगा पोर्ट में डिवाइड कर देगा। अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया क्या करते थे हम लोग, स्टैटिक में 1-to-1 मैपिंग, यानी एक सिस्टम के लिए एक आईपी चाहिए था, 10 सिस्टम तो 10 सिस्टम के लिए 10 आईपी चाहिए था, राइट। डायनेमिक में क्या किया हम लोग, पूल क्रिएट किए, यानी 20 पीसी हैं तो हमने 10 रेंज खरीद लिया, 10 आईपी खरीद लिया, तो उसमें से डायनेमिकली कोई भी एक करके यूज कर सकते हैं, तभी भी हमें आईपी परचेस करने पड़ रहे हैं। इसमें हम बस सिंगल एक आईपी परचेस करेंगे और इससे हम कई सारे पीसी यूज करेंगे इंटरनेट के लिए, राइट। तो मैं ऐसे लेता हूँ, राउटर तो लेता हूँ और इनमें मैं पोर्ट एड करता हूँ। फर्स्ट पोर्ट एड करने के लिए WIC2T आप पोर्ट ले सकते हैं यहाँ से, या 1T ले सकते हैं, राइट। मैंने पोर्ट एड कर दिया, मैं यहाँ लेता हूँ एक स्विच, सेम जो हम लोग डे में सिनेरियो बनाए थे वही सिनेरियो हम लोग करने वाले हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पीसी लूँगा, अभी मैं 10 पीसी ले रहा हूँ, राइट। और मैं ऐसे सर्वर भी लेता हूँ, 2 सर्वर, अब इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। ये हमारा सिनेरियो है और मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ, क्या क्या आईपी देना हमें, सेम वही डे का भी आईपी, कोई आप आईपी यूज कर सकते हो, जो हम लोग डे में लाइव किए थे वही आईपी हम देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपको देना है यहाँ पे दे सकते हैं। और इधर मिलता हूँ 20.1.1.1 का, राइट। अब चलते हैं अपने राउटर पे। मैं आपको स्टार्टिंग से बोला हूँ, आप जब भी रियल टाइम में करेंगे तो आपको केवल कंपनी के अंदर का ही राउटर मिलेगा, आपको बाहर ये चीजें क्या है आपको नहीं मिलेंगी, ओनली आपको कंपनी का राउटर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर से करना होगा। सिलाई मोड चलते हैं, इनेबल करते हैं यहाँ से हम लोग फर्स्ट कॉन्फ़िग टर्मिनल, इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे आईपी देने के लिए, इंटरफेस SC0/0/0 सेलेक्ट करते हैं, आईपी एड्रेस जो कि हमारा 202.20.20.1 एंड सबनेट मास्क क्या होगा हमारा 255.255.255.0 2 नहीं प्रेस हुआ है, कोई नहीं, 2 प्रेस करते हैं इसे, राइट। और उसको देन नो शट डाउन, देन अगेन इंटरफेस FH0/0 सेलेक्ट करते हैं और आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0.255.0 नो शट डाउन, राइट। हमने इस आईपी दे दिया, अब चलते हैं अपने सर्वर पे, सॉरी सर्वर करें जो हमारे सर्वर पे कनेक्टेड राउटर उस आईपी देते हैं और इनेबल करते हैं इसको, और फिर टर्मिनल इंटरफेस SC0/0/0 आईपी देते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस 222.20.20.2 इसमें तो आई थिंक आपको नहीं कोई डाउट होगा क्योंकि आईपी देना आपको आ गया होगा अगर आप लैब किए होंगे तो, क्योंकि हमारा 20.1.1.1 एंड इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 इसको नो शट डाउन, राइट। हमने इस राउटर पर भी आईपी दे दिया, सर्वर पर हम लोग आईपी दे देते हैं डेस्कटॉप में जाके आईपी में, क्योंकि इस 15.1.1.2 एंड 15.1.1.1 चलते हम लोग डेस्कटॉप आईपी 20.1.1.2 20.1.1.1 नाम भी चेंज कर लेते हैं, सर्विसेज में जाना है आपको,
HTTP पे जाना है, सिस्को पैकेट लिखा हुआ है, इसको आपको हटा देना है, फेसबुक, और इसको मैं जाऊँ इंस्टाग्राम, दो हमारे पास सर्वर है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम, राइट। ये तो रहा ओनली हमने आईपी मेंशन किया। अब हम करने वाले हैं पे कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, अपने कंपनी के राउटर पे जाना है फर्स्ट, गिट हो जाते हैं एक बार, इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं SC0/0 को, SC0/0 को सिलेक्ट करते हैं, इस पे क्लॉक रेट देना आपको फर्स्ट, क्लॉक रेट 64,000 में देता हूं यहां पे, राइट, गिट हो जाना आपको यहां से सेम। और यहाँ पे आपको कमांड क्या चलाना है, IP राउट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 एंड यहाँ पे डालना आपको डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे चला लेगा हम जो हमारे सर्वर जहाँ कनेक्ट करेंगे जिस राउटर पे उसका है, तो 222.20.20.2 राइट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बस नेक्स्ट क्या करना आपको, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाना होगा। आप लोग शायद डे में क्लास नहीं ज्वाइन किए थे क्या, एक्सेस लिस्ट हम लोग एक्सेस लिस्ट का नाम देते हैं 1, ये हमारा पहला एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं और इसको हम लोग परमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये इंटरफेस की आईपी है जो कि है हमारा 1.168.1.1 का, राइट। तो यहाँ पे हमें आईपी नहीं डालना होता है, हमें नेटवर्क एड्रेस डालना होता है, नेटवर्क आईडी डालना होता है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है 192.168.1.0 राइट, एंड इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स, वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा, सबनेट मास्क के डायरेक्ट अपोजिट होता है ना वाइल्ड कार्ड मार्क्स, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा 0.0.0.250। अब हमें एक पूल तैयार करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे आईपी नेट पूल, और पूल का नाम देते हैं हम यहाँ पे ICNT राइट। और यहाँ पे हम देंगे जो हमने आईपी परचेज किया था, हमारे पास जो आईपी है, तो मैं एक आपको सिनेरियो में बताया था हम लोग कौन सा आईपी लिए हैं, यहाँ पे 222.20.20.9 का आईपी हमने परचेज किया था। चलो यही आईपी डालते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि ग्लोबल आईपी हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे मैं से कहना कि आपको 222.20.20.20 एंड जब हमने वहाँ पे डायनेमिक किया था तो आपको देखे थे हम पूरे रेंज को डालते थे, यानी 9 से लेकर अगर हम 13 तक रेंज परचेज करें तो 13 तक डालते थे, बट हमने रेंज यहाँ पे परचेज नहीं किया है, ओनली हमारे एक ही आईपी है। तो अगेन दुबारा ही आपको यही आईपी डालना है कि हमारा यही आईपी है जो कि कंटिन्यू सब पे वर्क करने वाला है। अगेन इसी आईपी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है 222.20.20.9 राइट, एंड नेटवर्क मार्क्स मेंशन करते हैं यहाँ पे 255.255.255.0 एंड आपको करना है एंटर। उसके बाद एक और बस आपको एक्स्ट्रा कमांड चलाना होता है, जैसे अभी तक उसमें किया था आप लोग बस इतना ही कमांड हम यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा कमांड आपको और क्या लिखना है, यहाँ पे आईपी नेट लिस्ट क्या बनाया था हमने, सोर्स लिस्ट था हम लोग का 1 राइट, और पूल का नाम क्या था, पूल था हमारा ICNT, और यहाँ पे बस हमें लिख देना ओवरलोड बस करके आपको एंटर कर देना है राइट। अब हमें बस राउटर को बताना है कि हमारा कौन सा इंटरफेस इनसाइड में है और कौन सा इंटरफेस आउटसाइड में है। एक बार आप लोग चैट में बताइए इसमें से कौन सा इंटरफेस हमारा इनसाइड है, FA0/0 कौन सा इंटरफेस है, और Serial 0/0 जो हमारा है वो कौन सा इंटरफेस है, चैट में डाल दिए प्लीज आप लोग। सबको मैं क्लियर कर दू, यहाँ पे जो FA0/0 जो आप देख रहे हो आप नेटवर्क यही आप यूज कर रहे हो ना, इसी इंटरफेस में क्या हमारा इनसाइड नेटवर्क है, और ये हमारा 0/0/0 इसको क्या बोलते हैं WIC पोर्ट, यानी वाइड इंटर कार्ड, यानी क्या है हमारा आउटसाइड नेटवर्क है। तो आपको बताना है हमारा 0/0/0 किस पे है, आउटसाइड नेटवर्क पे है, और FA0/0 क्या है हमारा इनसाइड नेटवर्क है, बस ये आपको कमांड पे बताना है राइट। तो फर्स्ट हमें बताने के लिए इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस FA0/0, उसमें बताना है IP नेट इनसाइड राइट, यानी हमारा ये इनसाइड नेटवर्क है, एंटर, बस हमें सेव कर दे, बता दिया इनसाइड हमारा, देन अगेन एग्जिट होते हैं यहाँ से, इंटरफेस SC0/0 सेलेक्ट करते हैं, और आईपी नेट आउटसाइड, यानी हमारा 0/0/0 जो है हमारा आउटसाइड नेटवर्क है, बस हो गया कंफ्यूजन हमारा ठीक है। इसको मैं रेज करता हूँ यहाँ से, फुली रेज हो गया। अब आपको चेक करना है यहाँ से, एग्जिट होता हूँ मैं यहाँ से, अगेन एग्जिट, यहाँ पर अगर आप देखते हो सो
आईपी नेट ट्रांसलेट। अभी हमने ट्रांसलेशन कुछ नहीं किया, तो एक बार हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट। तो किसी एक से पिंग करते हैं, वेब को एक्सेस करते हैं यहाँ से डेस्कटॉप में जाके, वेब एक्सेस। इसका आईपी हमारा 15.1.1.2 राइट। एक्सेस करते इसको, फर्स्ट वेट करते हैं, अभी कंफ्यूजन कर रहे हैं, फर्स्ट वेट कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी डीले होता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन में। शो आईपी नेट आउटसाइड नेटवर्क हमारा 0.0.0.0 है और इनसाइड हमारा पूल हमने बनाया आईसीएनटी और ये हमारा डायनेमिक है स्टैटिक 0। अच्छा, इस पीसी के पास आईपी नहीं है अपना, इसलिए पिंग नहीं कर रहा था। ओके, डीएससीपी डेस्कटॉप आईपी। अच्छा, डीएससीपी सर्वर हमारा वर्क नहीं कर रहा है, डीएससीपी सर्वर आई थिंक ये फेल हो गया डीएससीपी सर्वर हमारा, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पे अभी आईपी शो कर रहा है, कोई नहीं, हम लोग स्टैटिक आईपी डाल देते हैं। दो तीन पीसी में यहाँ पे डाल के मैसेज करके देख लेते हैं, 192.168.1.2 एंड 192.168.1.1। राइट, अभी दो पीसी डाले, दो पीसी देखते हैं। हम लोग जाते हैं अपने ब्राउजर पे डेस्कटॉप पे और यहाँ से सर्च करते हैं 15.1.1.2 को एंड सर्च करते हैं। ये भी हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। सर्वर पर आईपी चेक करते हैं एक बार हम लोग, सर्वर पे हमारा आईपी राइट है, इस सर्वर पे हमारा आईपी डेस्कटॉप आईपी 1.1.2 राइट। अगर आईपी को हम लोग चेक कर लेते हैं, आईपी सभी राइट है कि नहीं है। 0/0 पे जो हमारा आईपी है एंड 0/1 पे जो हमारा आईपी है। अच्छा, इन सभी पे पहले हम लोग आईपी दे लेते हैं, सभी का स्टैटिक हो गया है 104.192.168.1.1। इस आईपी हम लोग राउटर को रीलोड कर लेते हैं क्योंकि डीएससीपी के अंदर कॉन्फ़िगर किया गया, ट्रांसलेशन लिया नहीं क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम के अंदर आईपी दिया ही नहीं था। राइट, तो यहाँ से हम लोग इसको रिलोड करते हैं। अभी जब हम इसे रिलोड करेंगे तो सभी डेटा इरेज जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ डेटा सेव नहीं किया था, ठीक है। तो हमें सभी कॉन्फ़िगरेशन सेव करना पड़ेगा दोबारा, हमें नो करते हैं इसको, इनेबल, देन अगेन हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड इंटरफेस SC0/0 को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। अगेन आप फिर देख लीजिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन हुआ था, आईपी एड्रेस 222.20.20.1 एंड इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 देन नो सेटअप अगेन इंटरफेस FA0/0 आईपी देते हैं यहां से, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड 255.255.255.0 नो शटडाउन। राइट, पहले हम 0/0/0 को सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग क्लॉक रेट देंगे इंटरफेस SC0/0/0 और यहाँ पे हम देंगे क्लॉक रेट 64,000 का। अगेन आपको एग्जिट हो जाना यहाँ से एंड यहाँ पे आपको देना है कमांड आईपी राउट 0/0/0 एंड डिफॉल्ट गेटवे हमारा रहेगा डेस्टिनेशन का राउटर का, जो हमारा आईपी होता है वो, ये हमारा राउटर का आईपी है 222.20.20.2 एंड इंटर करना आपको। अब आपको एक एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो एक्सेस लिस्ट का नाम नंबर देते हैं हम लोग, एक्सेस लिस्ट 1 बना रहे हैं और परमिट किसको कर रहे हैं हम लोग, परमिट 192.168.1.0 यानी इस नेटवर्क को हम परमिट कर रहे हैं। राइट, एंड इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0.0.0.255 इंटर। देन हम एक पूल भी तैयार करेंगे, आईपी नेट पूल और पूल का नाम देते हैं आईसीएनटी जो हमने पहले दिया था, और इसमें जो हम पूल बना रहे हैं वो हमारे एक ही आईपी है, तो वो आईपी देते हैं यहाँ पे 222.20.20.9। अगेन इसी आईपी को देना क्योंकि हम एक ही आईपी यूज कर रहे हैं, तो अगेन यही आईपी देंगे हम 222 डॉट
20.20.9 एंड नेटवर्क मास्क कर देंगे हम लोग 255.255.255.0 एंड एंटर। अब यहाँ पे हम ओवरलोड का कमांड चलाएंगे तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स, सोर्स लिस्ट का नाम नंबर क्या हमारा सोर्स लिस्ट 1, सोर्स लिस्ट और पूल का नाम देंगे, पूल हमारा है आईसीएनटी एंड ओवरलोड। अब इंटरफेस को लेकर बताते हैं कौन सा हमारा इनसाइड है, तो SC0/0/0 हमारा आउटसाइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे आईपी नेट एंड FA0/0 हमारा इनसाइड है, तो इंटरफेस FA0/0 आईपी नेट इनसाइड। बस ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था, एक बार पिंग करते दोबारा, क्योंकि उस समय जब हम आईपी देता वहाँ पे अपीप आईपी आ चुका था, तो इसीलिए अपीप आईपी से हमारा वो वर्क कर रहा था और ये नेटवर्क को ऐड नहीं किया था, क्योंकि नेटवर्क के अंदर हमने क्या दिया था 192.168.1.1 कमांड दिया था, राइट। अब ब्राउजर चलते हैं, अपने ब्राउजर पर एक्सेस करते हैं, 15.1.1.2 को एक्सेस करते हैं, देखो ये एक्सेस हो गया फेसबुक, राइट। ओके, ये हमारा इंस्टाग्राम सर्वर था एक और, उसको एक्सेस करते हैं दूसरे पीछे से, इंस्टाग्राम सर्वर का आईपी है 20.1.1.2, तो इंस्टाग्राम सर्वर भी हमारा एक्सेस हो पा रहा है। अब चलते हैं अपने राउटर पे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, चिट करो आप यहाँ से, चिट शो आईपी ट्रांसलेट, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन दिखा रहा है, किस किस में ट्रांसलेशन हो रहा है। अभी आपने दो पीसी से क्या किया, एक से आपने ये आपका जो कि फेसबुक सर्वर का आईपी है और ये आपका इंस्टाग्राम सर्वर का आईपी है, और रिक्वेस्ट किससे जा रही है आपकी, इनसाइड नेटवर्क की रिक्वेस्ट आ रही है 20.9 से जा रही है, राइट। तो दोनों पीसी ने रिक्वेस्ट किया सेम आईपी से, बट यहाँ पर लास्ट में कॉलन के बाद क्या किया है, उसको पोर्ट में डिवाइड कर दिया है रिक्वेस्ट को, यानी 10.26 है इसका, 10.30 इसका है, आईपी हमारी सेम है, सेम आईपी से रिक्वेस्ट जा रही है, बट क्या हो रहा है उसको पोर्ट में डिवाइड करता है कि कौन सा पोर्ट किस पोर्ट से उसको एक्सेस करना चाहता है। तब जो भी पीसी यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगी आईपी हमारा एक ही जाएगा, बट क्या करेगा जो आईपी होगा उसमें पोर्ट में डिवाइड कर देगा कि कौन सा पीसी से रिक्वेस्ट कर रहा है या किस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। जब तक आप इसे सेव नहीं करेंगे, अगर आपको फिर प्रैक्टिकल करना हो तो यहाँ पे आप रिलोड कर लेंगे, जैसे आप रिलोड करेंगे सभी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा आप इसे कर पाओगे, ठीक है। बट जब रियल टाइम आप कर रहे हो फिजिकल मशीन पे, तो रिलोड करने से वो इरेज नहीं होता है, उसको इरेज करना होता है।